फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय दसवीं आयत। फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय फिलिपियों के 3:10, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके सात दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हूं में से जीव उठने के पद तक पहुंचूं। मुझे पहुंचना है। हाँ, क्या करना है? मुझे पहुंचना। पहुंच गया पॉल? तुम पहुंच गया क्या? मैं पॉल प्रेरित पॉल को भी पूछ रहा हूँ, ये पॉल को भी पूछ रहा हूँ, पहुंच गया क्या? प्रेरित पॉल बोलेगा, मैं पहुंचा नहीं, मुझे पहुंचना है। जान गया क्या? जाना ही नहीं है, मुझे जानना है। मैं जाना है लेकिन काफी देखो, परमेश्वर के बारे में मैं बता रहा हूँ, जितने भी जानते रहेंगे ना और भी मिठा लगेगा। मेरा ही एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को मैथ्स बहुत इंटरेस्ट होते थे। जब जब इंजीनियरिंग में डाल दिए, मेरे को लगा था अरे मेरे को बीएससी मैथ्स करनी चाहिए। देखो उसे इंजीनियरिंग मिलना है तो बहुत बड़ी बात होती है, पूरे स्टेट में गिने चुने लोगों को मिलता है, टोटली स्टेट में 800 लोगों को ही मिलता है, छः सात कॉलेज। मेरे मन में होता था मैथ्स अच्छा रहेगा, मैथ्स में मैं तो मास्टर 100 to 100 लेता था। अरे मुझे मैथ्स डालना चाहिए, पापा मम्मी इंजीनियरिंग डालनी। लेकिन मुझे बाद में पता चला मैथ्स का भी एक लिमिट होते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं, बोरिंग लगते हैं। वो जानकारी मेरे को अच्छा लगता था तो शुरुआत में, लेकिन अंदर डिप में जाने से प्रॉब्लम होने लगा, बाद में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आने लगा। उसमें भी देखो इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट से मैं पढ़ा था, अच्छा नंबर भी ले लिए, सब हो गए, नौकरी भी किए, नौकरी में भी नया नया मिशन सीखने को इंटरेस्ट लगता था, ये सिस्टम क्या है वो सिस्टम क्या है सीख लिया, काम करते करते वो भी क्या हो जाएगा, एक ज़माने में बोर लग गया। बाद में अभी ये मिशन में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम आ रही है यार, नाइट में डिस्टर्ब कर रहे हो, पहले ऐसे प्रॉब्लम है, चलो सीखने को मिलेगा, इंटरेस्ट होते थे, बाद में क्या होता है करते करते वो भी मोनोटोनस है ना, फेमिलियरिटी ब्रिड्स कंटेंट बोलते हैं इंग्लिश में, बोला ज़्यादा जानने के बाद बोर लग जाए। लेकिन आत्मिक चीज़ है यीशु मसीह को जानना, कभी बोर ही नहीं लगेगा। जितना भी प्रचार हम सुनते हैं, हम भी कुछ सुनाते हैं प्रभु के अनुग्रह से, 47 ईयर्स से, मैं भी 47 ईयर्स, आंटी भी 47 ईयर्स, हमारा आत्मिक एज सेम है, भले नॉर्मल एज 2 साल कम है, आत्मिक तौर से मैं 17 में उधर पाए, वो भी 15 में उधर पाए। तो जानते रहते हैं और भी जानना चाहते हैं, और भी मीठा लगते हैं, और भी प्यारा लगते हैं, और भी ईश्वर और भी प्रेमी रहते हैं, और भी सामर्थ्य रहते हैं। मेरे प्रभु को जानना ही मेरे जीवन में सबसे बड़ी इच्छा है। यीशु मसीह सामने आकर इच्छा, आपको क्या इच्छा है, क्या बोलो, क्या चाहते हो, पूछेंगे तो क्या बोलोगे? बोले आज रात को दर्शन में स्वप्न में यीशु जी आके पूछ रहे हैं, क्या चाहिए बेटा बोलो, हाँ मुझे आपको जानना है, आपके करीब रहना। तो परमेश्वर को जानना इंसान के लिए बहुत बड़ी धन्य बात है। मैंने जान लिया, आपने जान लिए, अपने पढ़ाई के कारण मैंने नहीं जाना, अपने
दूसरी किसी कारण से नहीं, उसके अनुग्रह के द्वारा माँ के गर्भ में पड़ोस लिख रहे गलत एक में पढ़ो पता चलेगा, माँ की गर्भ से चुन लिया, बुलाया तूने मुझे सुनाने को शुभ संदेश, यीशु को प्रकट किया। प्रकट होते तभी तो जानेंगे, मेरे पिता अगर किसी को प्रकट नहीं कराएंगे वो कभी नहीं जानेगा। बोलते कौन में वचन पढ़ते हैं, कब हम 15-16 में लिख रहे हैं, मेरे माँ की कोख से मुझे चुन लिया मेरे परमेश्वर। हालेलुया, गैलेशियंस 1:15-16, वो अपने आप को प्रकट करेगा, अनपढ़ लोगों को भी प्रकट करेगा, पॉल्स जैसी पढ़ा लिखा लोगों को भी प्रकट कराएगा। गैलेशियंस 1:15-16, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझमें अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। देखो हमको जानकारी मिल गए हैं, उसको और भी जानते रहना है। और दूसरा चीज, उस जानकारी को दूसरे के पास पहुंचाना, यही आप पर बोल रहे हैं, मुझे जानकारी मिला है, मुझे प्रकट हुआ है, उसको मैं प्रकट करूं, उसको मैं प्रकट करूं। जिस इशू को मैंने जान लिया है उसके जानकारी मैं दूसरों को दूं, उस इशू को दूसरे लोग भी जानें। हम जो पाए हैं इस जीवन को, योहाना लिख रहे जिस जीवन को हमने छुआ, सुना, देखा, जाना, समझा, उसके बारे में हम गवाही देते हैं। व्यक्तिगत अनुभव है, मसीह को पहचानना, मसीह को जानना। बोलते थे चले लो, अरे नासरत से कोई भलाई होगा क्या? हमारा गांव में भी एक नासरत, हमारा तमिलनाडु में भी एक नासरत है, वहाँ से भी भलाई होती रहती है। कितने सेवक लोग वहाँ से तैयार हुए, वहाँ पर भी काफ़ी सारे गुंडा लोग भी होते हैं, दारू पीने वाला भी, कृषि लोग भी होते हैं, वहाँ से भी प्रभु लोगों को तैयार किया। वही नासरत के बारे में, अरे नासरत से क्या भलाई होगी? वहाँ बोलते अरे आकर का तो देखो तो सही, चख कर जानो कितना बड़ा है, प्रभु को जानोगे, चखोगे, स्वाद चखोगे। देखो आई एक्सप्लेन यू, आई विल एक्सप्लेन टू यू। दूसरी चीज क्या होते है, प्यास लगते रहेगा, अब पीते रहोगे, मैला पानी है, ऐसी दुनिया का पानी है, पीते रहोगे प्यास लगेगा, प्यास बुझने जैसे लगेगा, लेकिन प्यास है नहीं पूछेगा, और भी और भी और भी पी लो, और भी खाओ, और भी देखो, अच्छा लगेगा, और भी करो, और भी पाप में डूब जाओ, शैतान लेके जाएगा, लेके जाएगा कोई भी एडिक्शन में, और जाते रहेंगे, और ऐसा पानी जैसे दिखेगा, कभी प्यास से नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रभु को जान लिए आपको प्यास से बुझेगा, प्यास भी आते रहेगा, प्यास से सेटिस्फाई हो जाओगे, और भी पाना चाहोगे, और भी मीठा लगेगा, और भी सुगंध रहेगा, और भी प्यारा लगेगा, और भी बढ़िया लगेगा, और भी आपको चाहत बढ़ेगा। अगर बढ़ नहीं रहे हैं, किसी के अंदर प्रभु को जानने के लिए चाहत नहीं है, किसी बच्चे को खाने का मन नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? मम्मी पापा लोग, अरे मेरे बच्चा खाते नहीं बढ़िया, या मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसे बोलेंगे। हाँ बोला, अरे मेरे बेटा खाने रहे कुछ तो प्रॉब्लम है, उसको किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता है, होता है कि नहीं? हमारा भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हम लोग भी फेस करके आए। बाद में डॉक्टर बोले ये प्रॉब्लम है, इसका इलाज करेंगे तो सही हो जाएगा, सही हो गया। कभी कभी होते हैं,
आत्मिक जीवन में आपको प्रभु के ऊपर प्यासा नहीं पड़ रहे हैं, प्रभु में संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, प्रभु में आनंद नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। प्रभु को बराबर आप स्वाद नहीं चक रहे हैं, प्रभु को जान नहीं रहे हैं। इसलिए पॉलस यहाँ पर बता रहे हैं मुझे उसको जानना है। तीन चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, परमेश्वर को जानना है, उसकी सामर्थ्य को जानना है, उसके साथ दुख उठाने को मुझे जानना है। टोटल पैकेज है, तीनों साथ में आएगा। परमेश्वर को जान लिया, सामर्थ्य को भी जानना है। परमेश्वर को जान लिया, उसकी क्रूस को भी हमें उठाना है, वो भी जानना है। तीनों साथ में है, परमेश्वर को जानना है, सामर्थ्य को जानना है। परमेश्वर सामर्थ्य है, पिछले हफ्ते मैंने प्रचार करके गए यहाँ से, ये वचन मेरे मन में घूम रहा था। ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए मेरे को, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ऑफिस में गया, इधर नहीं, उधर जाओ, उधर जाओ। कभी कभी आप लोग भी जाते हैं ना, ये मत सोचो पास से जी आराम से रह रहे हैं, ये मत सोचो। मुझे भी कभी कभी मेरा काम के लिए भागना पड़ता है, मैं उधर गया था, उधर गया था, इधर नहीं है भाई, उधर उधर नहीं, इधर। बाद में बोला अरे नेट में से ऑनलाइन हो जाएगा, लोग घर पे आके करके चला जाएंगे ऐसा करके। आपने क्या एक बार दो बार कोई नहीं आया। मेरे पेंशन के मामले में है, लाइफ सर्टिफिकेट का ज़रूरत है। पोस्ट ऑफिस बोला करेगा, बोला ये पोस्ट ऑफिस, बोले वहाँ जाओ वहाँ जाओ। बाद में मेरे को मन में आया अरे रिजरेक्शन पावर मेरे में है। क्या पावर? पुनर्तान का सामर्थ्य मेरे में है, मेरे अंदर पुनर्तान के सामर्थ्य जाएगा। जो आदमी करने रहे उसके मन में वो काम। अरे पास्टर जी पुनर्तान के सामर्थ्य और उसके क्या ताल्लुक है? अनुभव से बोल रहा हूँ ताल्लुक है। मैं जब ये सोच करके गया मेरा काम इजीली। हम गाना गाते हैं, बात तो छोटी हो या बड़ी, देगा ईश तुझे आजादी, बात तो छोटी हो या बड़ी, देगा ईश तुझे आजादी, तुई तो तुई तो ईश तुई तो मेरा सब कुछ तो परमेश्वर को जानोगे आप, बोलेंगे ऐसा गाना गाओगे, तुझे जान कर तमन्ना, तुझे जान कर तेरे प्यार के, तेरा सुख हो मसीहा, तेरे प्यार के। प्रभु को जानो, उसके सामर्थ्य के साथ जानो। यीशु मसीह को एक बलहीन इंसान, एकदम निर्बल आदमी, अरे क्रूस पर टांगा हुआ, इस ढंग से कुछ लोग सोच रहे हैं। कुछ लोग बोले अरे आपके भगवान को भी इतने मारे हैं, वो आपको क्या मदद करेगा? देखो कहानी अगर क्रूस के साथ खत्म होता, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं, यीशु के पीछे चलने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। लेकिन वहीं पर फुल स्टॉप नहीं है, वहाँ पर कमा है। यीशु ने बोला था मुझे कोड़े मरवाएंगे, मुझे मजाक उड़ाएंगे, मुझे दुख दिलाएंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, लेकिन तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। जी उठने वाला सामर्थ्य है यीशु मसीह में, सामर्थ्य के साथ जी उठा। परमेश्वर पिता ने स्थापित किया यही मसीह है, दुनिया को बचाने वाले हैं। बचाने के लिए वो अपने आप को मारने दिए, नहीं तो उसके जान देने के लिए भी, लेने के लिए भी उसके पास अधिकार, टोटल अथॉरिटी है, जीवनदाता है।
आज पुनर्थान के सामर्थ्य को आप जान लेंगे ना, ये गीत गाने में आपको मजा आएगा। रोने के बदले नाचे खुशी का, सीखना ऐसे गाना गाना घर पे, तारा शोक वस्त्र है हर्ष को पहना ही, करूं मैं तेरी स्तुति तेरे गीत में। परमेश्वर के पुनर्तन के सामर्थ्य आज जरूरी है मेरे बच्चे लोग। मरवा परिस्थिति, हरवा परिस्थिति, गिरावा परिस्थिति, नामुमकिन परिस्थिति, असंभव कुछ होगा नहीं, मरवा है, उसी में परमेश्वर अपना ताकत को प्रदान करेंगे। पुनर्तन के सामर्थ्य को जानोगे, परमेश्वर को सही ढंग से जानोगे, उसके बाद उसके लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओगे। पहले सदी में लोग मरने के तैयार होते थे, क्यों? वो लोग पुनर्तन के सामर्थ्य को अनुभव करते थे हर दिन की हर बातों में, बात छोटी हो बात बड़ी हो। प्रभु जी आपके सामर्थ्य मरे हुए स्थिति को बदल सकते हैं। इस ढंग से उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य है, मृत्यु के ऊपर जय पाया, उस जय को उसने हमें दिया है। इसलिए हम पुनर्तन की सामर्थ्य पाया वह लोग है, उसको जान लिया उसने। पौलुस बोलते हैं, इसलिए मुझे जानना है, इस सामर्थ्य को मैंने जान लिया, इसको और भी जानना है, इसमें PhD 1 करना, PhD 2 करना, PhD 3 करते रहना, और भी जानना। मेरा उसको जानना ही मेरे जिंदगी का यात्रा है, जर्नी। ये जर्नी कब खत्म होगा? कितने कब तक जानते रहे, कब तक बाइबल पढ़ते रहेंगे? पास्टर जी इतने साल बाइबल पढ़ के खत्म नहीं हुए क्या? बोलो, खत्म ऐसे नहीं होता है, पढ़ते रहेंगे। इवन बाइबल स्वर्ग में भी पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ, स्वर्ग में भी बाइबल का किताब रखे हैं, बड़े किताब ऐसा 53 अध्याय बीच में खोल के रखे हैं, जानेंगे। बाइबल ऐसी खजाना है, परमेश्वर का ज्ञान है, इसके द्वारा प्रभु को जानना है, आत्मा के द्वारा जानना है, अनुभव के द्वारा जानना है, सामर्थ्य के साथ जानना है। दुख उठाते हुए दुख उठाएंगे तो भी हम परमेश्वर को जानेंगे। इसलिए लोगों को अजीब से लगेगा, ये लोग दुखी पुरुष लग रहे हैं लेकिन आनंद से रह रहे हैं, ये लोग गरीब जैसे रह रहे हैं, काफी लोगों को ये लोग अमीर बना रहे हैं। उनको दूसरे दुनिया समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को जाना नहीं, इसलिए हमको जानेंगे नहीं। लेकिन हम परमेश्वर को जानने वाले हैं, परमेश्वर के बच्चों को भी जानेंगे। समझ में आ गए? परमेश्वर को देखो, आपको कौन जानेगा? जो परमेश्वर को जानने वाला आपको जान लेगा, उसको पता चलेगा, परमेश्वर का प्रेम से पता चलेगा, चेहरा में महिमा दिखेगा, चेहरा में प्रेम दिखेगा। परमेश्वर को जानने वाले, एक तो मैंने बोला परमेश्वर को जानने वाले जो जान गए, दूसरों को जानकर देने बगैर रह नहीं पाएंगे, छोड़कर नहीं जा पाएंगे। बोलेंगे प्रभु जी कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन की बात तो तेरे ही पास है, जान लिया हम नीचे, जान लिया तू मसीहा है, जीवन की वचन आपके पास है। देखो मती का 24 में आप देखोगे, आज का पोर्शन में आता है, दो लोगों की कहानी मिलती है वहाँ पर, दो लोग हैं, एक लेडीज है, यीशु का चेला नहीं, यीशु के 12 चेला में वो ग्रुप में नहीं है, दूसरा है जेंट्स है, यीशु के करीब लोगों की संख्या में रहता है। दोनों लोग वास्तव में कौन आदमी यीशु को ज्यादा जानकारी होना चाहिए? बोलो, जो आत्मिक करीब रहते हैं, क्योंकि देखो यीशु मसीह के संख्या में लेडीज लोग आते थे जाते थे, लेकिन साथ नहीं रहते थे, ये भी मैं समझा रहा हूँ। 12 लोग ही साथ में रहते थे एक ही जगह पर, लेडीज लोग भले साथ में सेवा में जाते थे तो साथ में खाते थे, साथ में बैठते थे, साथ में बात करते थे, साथ में सेवा में जाते थे,
फिर भी एक व्यक्ति यीशु मसीह को जाना नहीं, यीशु मसीह को आत्मिक तौर से जाना नहीं, सही ढंग से उसके कीमत को जाना नहीं, इसके वैल्यू को जाना नहीं। लेकिन दूसरी जो स्त्री है जिसके बारे में यीशु ने बोला, जहां पर भी सुसमाचार प्रचार होगा इसका नाम का प्रचार होगी, इसका काम प्रचार होगा। भले नाम क्या है मालूम नहीं, मरियम होगा, कौन सा मरियम मालूम नहीं, काफी सारे मरियम होते हैं, अरे कि नहीं। मरियम है, शायद मार्ता का बहन भी हो सकते, भी उसका भी एक कहानी आता है, वो ना मरा शायद वो है, मालूम नहीं मेरे को। लेकिन यीशु ने बोला इसका काम सब जगह में प्रचार किया जाएगा, साथ ही साथ यहूदा का काम भी प्रचार हो रहा है। दोनों में अंतर क्या है? एक ने यीशु को बेच दिया, दूसरे ने यीशु को खरीद लिया। बाइबल कहते हैं सच्चाई को खरीदो, बेचो मत, कीमती को जानोगे बेचोगे नहीं। डायमंड मिल गया, इंसान क्या करते हैं उसको छुपा के, कितना भी रखते, कितने भी पैसा दे करके उसको खरीदते हैं, उसको मालूम नहीं है वो क्या करेगा। 100 रुपया दारू पीने के लिए 100 करोड़ डायमंड को भी बेचेगा, इस ढंग से यहूदास ने किया। 100 रुपया के दारू पीने के लिए 100 करोड़ यीशु को उसने, अभी पछता रहा होगा, जिंदगी भर पछता रहा, अनंत काल तक पछताएगा। समझा रहा हूं मैं, 100 करोड़ भी बहुत कम है, 100 करोड़ भी हमें नहीं बचा पाएगा अभी जो आने वाले परिस्थितियों को देखोगे। लेकिन इसने इतनी वैल्यूएबल प्रभु को 100 रुपया के लिए इनकार किया। वही दोनों एक ही जगह पर आ रहा है, क्या दर्शाता है? परमेश्वर को जानने के लिए अनुभव चाहिए, उसको आत्मिक तौर से जानना, नम्रता चाहिए। मुझे आता है, अरे ये तो मेरा रोड पर, काफी लोग बोलेंगे अरे हमारा रोड पर प्रचार करते थे वही है ना, वही जो पागल जैसे घूमते रहते वही लोग है ना, यीशु यीशु बोल करके आखिरी दिनों में लोग ऐसे ऐसे सोचेंगे, अरे ये लोग पागल जैसे लगे थे यार, अभी ये लोग ऊपर बैठे हुए हम लोग को न्याय कर रहे हैं। दिन आने वाले, परमेश्वर को जानो, महिमा के साथ जानो, सामर्थ्य के साथ जानो, जानोगे उसके सामने बाकी चीज आपके लिए बहुत महत्व तो नहीं रहेगा। मत्ती का 26:7-8 भी पढ़ना, 15:16 भी पढ़ना, यही दो व्यक्ति का कहानी है कि बराबर जानेंगे, कीमत जानेंगे, प्रभु का वैल्यू जानोगे, कभी भी उसको बेचोगे नहीं, कभी भी उसको छोड़ोगे नहीं। मत्ती का 26। संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आए, उसके पास आए, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया, उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्या, इसका क्यों सत्यानाश किया? ये अच्छे दाम बेचकर कंगल, ये भी ये कौन बोला करके यहूदा में पता चल रहा है, यहूदा इस्कारियोत ने बोला। कभी कभी एक दुष्ट होने से दूसरे लोगों के अंदर भी वो प्रभाव वो पड़ता है, तो इसलिए चेले लोग करके लिखे, भले वही सजेशन दिया होगा, बाकी लोग भी हाँ सही बात है यहूदा तुम सही बोल रहे हो, हमारा टीम में तुम थोड़ा थोड़ा से होशियार है, तुम कैच कर लेते हो, बाकी हम लोग तो बेवकूफ़ हैं। लेकिन प्रभु का बेवकूफ़ लोग ही ज्ञानवान बनेंगे, ज्यादा ज्ञानवान को प्रभु बेवकूफ बना देंगे। वो बोल रहा है इसको चैरिटी वर्क में देना चाहिए, इतना प्रार्थना आराधना क्या जरूरी है, इतना मीटिंग प्रचार क्या जरूरी है, हम लोग सब जान लिए, क्या जानने का। हमारा वो कुछ चर्चस में, पुराना जमाने के चर्चस में लोगों के मन में ये बात होती है, इवन हमारा कोई रिश्तेदार लोग भी है, अरे हमने जान लिया, हमको क्या भी जानने, पहला तेरे बचिन मोड़ना, फिर तो यह वचन का कोई मीनिंग नहीं है। पॉलस बोलते मुझे जानना, मुझे और भी जानना, सामर्थ्य के साथ जानना,
उसके साथ दुख उठाते हुए भी उसको जानेंगे, एक दूसरे डायमेंशन में जानते हैं वाले में दुख उठाने वाले प्रभु के स्वभाव को जानते हैं। मैं बता रहा हूं कुछ लोगों के अंदर प्रभु के स्वभाव दिखते नहीं है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी करेंगे, वो तो एक पार्ट को जान लिए, उनके अंदर प्रभु का स्वभाव दिख नहीं रहे, मतलब दुख उठाने का मर्म को वो लोग जाना नहीं। दोनों जानो, परमेश्वर का स्वभाव भी चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ्य भी चाहिए। बोले परमेश्वर का स्वभाव भी चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ्य भी चाहिए। दुख की बात ये है, हमारा ही अच्छे लोग हैं, कुछ लोग हैं, सामर्थ्य का प्रचार ज़्यादातर करते करते स्वभाव का थोड़ा पीछे रख दिए, और दूसरे कुछ लोग अच्छे लोग हैं, यीशु जैसे बनो, यीशु जैसे बनो, स्वभाव को प्रचार करते करते सामर्थ्य को लोग पीछे रखते हैं। लेकिन यहाँ इस वचन से हमको समझ में आ रहा है, सामर्थ्य जब तक नहीं जानेंगे स्वभाव भी नहीं जान पाएंगे। स्वभाव नहीं जाएंगे, सामर्थ्य रहेगा, लेकिन सामर्थ्य के द्वारा घमंडी हो जाओगे, दूसरों को आशीष देने बजाय दूसरों के लिए आशीष के बगैर आशीष के कारण नहीं रहेगा। तो दोनों बैलेंस में लेके चलते हैं, मसीह जीवन अच्छा रहेगा, बोलते मैं पृथ्वी के उस पुनरुत्थान के तक मुझे पहुंचना है, मुझे उस पार पहुंचना है, विश्वास की रखवाली करना है, सामर्थ्य आगे करके घमंड होकर के नीचे नहीं गिरना है, यीशु मसीह का स्वभाव में मुझे आगे करके सन्यासी बन करके कहीं कोने में नहीं बैठना, कुछ तो करना। सामर्थ्य जाने वाले लोग कुछ तो जरूर करेंगे, समझ में आ गई। अगर आपके पास कुछ पैसा है, 2 लाख 1 लाख कुछ भी हो, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? खर्च कर सकते हैं, खर्च करना भी अच्छा ही है, ज्यादा है तो खर्च करो, फिक्स्ड में डाल सकते हैं, और सामान खरीद सकते हैं, सोना, गुजराती लोग सोना खरीदते हैं, मुझे मालूम है, घर पे खरीदे होंगे, आजकल संभाल के रहो, सोना भी शैतान चुरा के ले जा रहा है, चोर लोग आकर के लूटपाट करते हैं। और क्या, अभी मेरा आंसर अभी तक आया नहीं, क्या करना चाहिए, मैं जो आंसर माते चाहते थे, ये भी अच्छा आंसर दिया इसने, सेवा के लिए दे सकते हैं। हाँ, यही बात मैं बता, देखो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट किसी के पास है, वो क्या करता है, कंपनी वाला बिजनेस करके उसको बढ़ाते हैं, सेवा में देते हैं, वो लोग सेवकाई में इस्तेमाल करके आत्मा को कमाते हैं। बिजनेस के लिए 2 लाख को लेकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया, क्या होगा, वो 2 लाख 20 लाख भी हो जाएगा, 200 लाख भी हो सकता, बढ़ता है। लेकिन उसमें क्या है, होशियारी चाहिए, चालाकी भी चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम भी चाहिए, थोड़ा जवानीपन का मेहनत भी चाहिए, है कि नहीं। ये सब करने के लिए किसी से नहीं होते, जैसे हमारा जैसे लोग हैं रिटायरमेंट ले लिए, हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ भी पैसा मिल जाएंगे FD में क्या करेंगे, FD में डाल दिए तो क्या आएगा, इंटरेस्ट है। तो यही यीशु जी बोलते हैं जो बाइबल में भी लिखे हैं, किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े, किसी को 1 तोड़ा। 5 तोड़े वाला बिजनेस किया, उसको 5 मिल गया, 2 तोड़े वाला क्या किया, इन्वेस्ट किया होगा पता नहीं, हाँ वो भी बिजनेस किया हुआ था, वो भी बढ़ सकता है, लेकिन इन्वेस्ट किया वो भी बढ़ गया। 1 तोड़ा वाला ने क्या किया, ना बिजनेस, ना इन्वेस्ट, ना सेवा, मिट्टी खोद करके रख दिया। तो
प्रभु जी ने क्या बोला, भाई तुम तो क्या किए हो? वो आंसर देखोगे पता चलेगा वो परमेश्वर को जान नहीं रहा। यही मैं यही एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वो पढ़ेंगे मेरे कल में मत्ती का अगर 25 में होगा नहीं तो 24 में, हम लोग रिसेंटली पढ़े थे। तो वहाँ पर आदमी बोल रहे हैं आप तो दुष्ट है। कौन बोल रहे हैं? एक थोड़ा जिसको मिला है परमेश्वर के बारे में उसका आइडिया देखो, वो क्या बोल रहे हैं? आप तो जहाँ बोते नहीं वहाँ काटते हो, वहाँ दिए नहीं वहाँ से मांगते हो, इसलिए मैं डर गया। 25 याद रहेगा इजीली, पढ़ो बेटा। इसलिए मैं डर गया। देखो जब प्रभु को जानेंगे नहीं, प्रभु को डर के मारे भाग जाएंगे। प्रभु को डरना चाहिए, डर करके प्रभु के पास आना चाहिए, लेकिन ये डर गया। आगे 24 पढ़ो। तब जिसको एक थोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि, देखो जानता है, वे भी जानता है प्रभु को। हमारा हमको बहुत आता है यीशु के बारे में, 50 साल से हम जानते हैं यार। हमारा पास्टर्स लोग भी कितने बेवकूफ लोग हैं, चोर लोग हैं। कभी कभी देखो जो प्रभु को दोष लगाने वाले लोग हैं, प्रभु के सेवक लोगों को भी दोष लगाएंगे, बोले ये लोग बहुत चोर है यार, आपसे दशांश लेके वो लोग बड़ा अमीर बन जाते हैं, हमको गरीबी कर देते हैं लोग। आगे बढ़ना। जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। कठोर, प्रभु जी कठोर है, नरम है, बोला बोलिए तो सही, कठोर आदमी है प्रभु, जाना नहीं तभी ऐसे आंसर दे रहे, कठोर है। आगे तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छीटता वहाँ से बटोरता है। वहाँ नहीं छीटता वहाँ बटोरता, ये देखो बीज बोना फसल काटना का नियम को प्रभु ही लेकर आए भाई, प्रभु ही वो नियम दिए दुनिया में। जेनेसिस 8:22 में देख रहे हैं, जब तक पृथ्वी रहेगा बीज बोना फसल काटना आते रहेगा। जब प्रभु जी ही वो सिस्टम बनाए, उसको अब मालूम नहीं है क्या वो सिस्टम अपनाने के लिए? हाँ सपोज ये कंप्यूटर अगर मैं बना दिया, सपोज मैं तो नहीं बनाया होता तो इसका रिपेयरिंग करना भी मुझे आता है, इसको चालू करना भी आता है, इसको चलाना भी आता है। जो व्यक्ति ने बनाए सिस्टम वो बोलते जानता था कि अब बोते नहीं फिर भी मांगते हो, प्रभु जी को इस तरह से जानने वाले लोग प्रभु के लिए कुछ नहीं करेंगे। अरे प्रभु को देंगे तो वेस्ट ही है, प्रभु कुछ नहीं करने वाले। तो क्या किया उसने आगे? इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा टोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। परमेश्वर को जानने वाले कभी भी इस ढंग से जिंदगी में देने वाले एक एक चीजों के लिए शुक्रगुजारी रहेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु के गुणों को गाएंगे, प्रभु के प्रेम के बदले में कुछ तो करो। मेरे पास वो एक बाइबल है, आप बोले थे ना एक बाइबल के प्रभु के दास का, वो अपना नोट्स में लिखता है, वो उसमें बाई हैंड राइटिंग इस वचन के आगे वो मार के लिख रहा है डू समथिंग। क्या लिख रहे हैं? डू, कुछ तो करो। कम से कम बिजनेस ही कर सकते हो, कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, कम से कम एफडी में तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा, 5% 6% जो भी है। अब ये भी दुनिया में कतरा हो रहा है, ये भी मैं बोल रहा हूँ ये भी हम लोगों को डर लगता है, मतलब कम से कम मिनिमम है इंसान को अपना जीवन में दिया हुआ, मतलब केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में दिया हुआ समय, रिश्ता, दिया हुआ खुबियत, दिया हुआ धन, दिया हुआ समय,
दिया हुआ एनर्जी, जवानीपन, जवानीपन प्रभु के लिए दो, जवानीपन को बिगड़ो मत। प्रभु को जानने वाले लोग प्रभु के लिए देंगे। बुढ़ापन में आकर के प्रभु मैं आया हूँ, आया कौन सा गाना, आया हूँ बहुत पुराना गाना मैं बोल रहा हूँ, कौन सा गाना बेटा, आया मैं आता तेरे पास, मेरे पास हो तेरे दे मन। कितने उम्र में गाना गाना चाहिए, 85 90, मैं आया हूँ तेरे पास, हाँ सेवा के लिए आता हूँ, अभी बुढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा बहुत जान रह गया हूँ, इसको तड़ा आपके लिए दे देता हूँ। डू समथिंग, जवानीपन को दो, अपना तोड़ा को छिपाओ मत, प्रभु को जानो। प्रभु फिरौन नहीं है, फिरौन माले में फिरौन, वो क्या पड़ेगा आज का पोषण में आता है, इंटा नहीं देंगे, इंटा का वो पुआल भी नहीं देंगे, पुआल लिखा है, पुआल पढ़ कर लगे अभी आजकल वो पढ़ते हैं ना, रोज मैं सुनता हूँ, इसलिए थोड़ा शब्द भी आ जाता है, भूसा है, पुआल लिखा है बागल में, पुआल भी नहीं देंगे, ढूंढ के लेके आओ इंटा बनाने के लिए। लेकिन लास्ट में गिनती तो उतना ही चाहिए, एक भी कम नहीं होना तो लाठी से मारते थे वो लोग। वो लीडर लोग जाकर के फिरौन से बोलते थे, अरे साहब आप अभिषेक कर रहे हो, फिरौन क्या बोलते हैं, अरे तुम लोग आलसी हो, तुम लोग आराधना आराधना प्रार्थना प्रार्थना करके तुम लोग कुछ काम का नहीं है। आज भी कुछ लोग के आइडिया ये, कुछ लोग ये सोचते, अरे कृषि लोग प्रार्थना आराधना यही उनको आता है, कुछ काम वाम नहीं आते। प्रूव इट टू द अदरवाइज, आपको प्रूव करना चाहिए, ऐसे नहीं, हम लोग प्रभु को जानने वाले ज्यादा होशियार रहेंगे। वेल्डिंग करेंगे तो भी ठीक से करेंगे, फिटिंग काम करेंगे तो भी हम लोग सही ढंग से करेंगे, क्योंकि प्रभु को जानने वाले ताकतवर रहेंगे, प्रभु को जानने वाले होशियार रहेंगे, छुपा करके बेकार नहीं जाएंगे, सही जगह पर पैसे को डालेंगे। जैसे सिस्टर जी बोले सही बात, बोले सेवकाई के लिए भी देना चाहिए, सही बात है, आप लोग तो दे रहे हो दान दशम, अच्छा हो, वो पैसा स्वर्गीय बैंक में डाल रहे हो जिसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अनंत जी नहीं, 100 times मिलेगा, यहां पर भी 100 times समझ लो, 5% 10% 100% भी नहीं है, 100 times, वो भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। प्रभु के लिए दे दो, जवानीपन दो, तालंत दो, प्रभु को जानने वाले, दानियल की किताब में बोल रहे हैं प्रभु के जानने वाले आलसी नहीं रहेगा, दानियल 11:32, आलसी रहते मतलब प्रभु को गलत जान लिए, जान लिए तो है, गलत जानकारी पा लिए, प्रभु कठोर बोल रहे हैं, प्रभु बोने बगैर फसल काटने वाला बोल रहे, कैसे काटेंगे भाई, दानियल 11:32। और जो लोग दुष्ट होकर उस भाषा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। ये देखो, ये मैं बता रहा हूँ, ये वचन क्या है, दो पार्ट है इसमें, पहले पार्ट है जो वाचा को तोड़ने वाले लोग हैं, वाचा कौन तोड़ते हैं, हाँ बोलो, वाचा कौन, तो आजकल फैशन भी हो गए विदेश वगैरह में, बुरे लोग ही तोड़ेंगे, शादी भी एक वाचा होते हैं, जिसमें आप लोग प्रॉमिस करते हैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी रहूंगा, दुख हो सुख हो रहेंगे। लेकिन कुछ लोग है फैशन होते, अरे बोर लग रहा है, दूसरे ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, वाचा को तोड़ने वाले लोग हैं।
प्रभु को नहीं जानते हैं, शैतान के प्यारे लगने वाले, शैतान के साथ जोड़ने वाले लोग हैं, उनको शैतान क्या करेगा, चिकनी चुपड़ी बातों से अपना वश में लेगा। जो प्रभु को जानेंगे नहीं, प्रभु को पाएंगे नहीं, प्रभु को मानेंगे नहीं, प्रभु के साथ प्रेम नहीं करेंगे, प्रभु के आनंद नहीं उठाएंगे, शैतान से आनंद पाने के लिए लोग चला जाएंगे। क्यों यहूदास को 30 सिक्का चांदी का सिक्का अच्छा लगा? क्योंकि प्रभु से पाने वाला आनंद को, शांति को, प्रेम को दुनिया नहीं दे सकते, वो बराबर पाया नहीं, बराबर जाना नहीं, इसलिए चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गया है। पैसे के लालच में शैतान फंसाने वाले हैं। शैतान को भी इस ढंग से जान लो, वो भरमाने वाले हैं, अच्छा नहीं, अपना आपको अच्छा दिखाएगा लेकिन अच्छा नहीं, और ये भी नहीं, अच्छा प्रभु को खराब दिखाएगा शैतान। अरे प्रभु ये दे दिया, कराना दे दिया, ये दे दिया, ये कर रहा है प्रभु जी, सबको अपना कंट्रोल कर रहा है। इस ढंग से शैतान लोगों के मन में गलत फहमी डाल रहा है, उनके चिकनी चुपड़ी बातों से फंसा रहा है। देखो न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है मेरे बच्चों, लोग ध्यान से सुनो, बीच वाला नहीं है। पास्टर जी मुझे प्रभु को भी नहीं जानना, शैतान को भी नहीं जानना, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नरक भी नहीं चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। चाहे मसीह मिलेंगे नहीं तो शैतान मिल ही जाएगा अपने आप से, स्वर्ग मिलेगा नहीं तो नरक तो पक्का, नरक पाना चाहिए तब तो उसके लिए कुछ करने का ही नहीं, चुप रहोगे शैतान काली दिमाग में कचरा भरते रहेगा। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, डालते रहेगा कचरा, चिकनी चुपड़ी बातों से फंसा देगा। आगे पढ़ना बेटा, दानियल 11:32। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, देखो परंतु दूसरे कैटेगरी लोग है, परमेश्वर को जानने वाले लोग है, वे याव बांध कर बड़े काम करेंगे। कुछ लोग सोचते बड़े काम प्रभु के लिए करने का, हाँ पॉजिटिव भी पॉजिटिव, आजकल ये भी एक बड़ा चीटिंग है, क्रिश्चियनिटी जैसे लगेगा भी पॉजिटिव, यीशु का नाम वहाँ पर नहीं होगी, ब्लड ऑफ जीसस वहाँ पर, क्रूस के संदेश वहाँ पर, ओनली पॉजिटिव। अपने दिमाग का खेल से लोग बड़ा होना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं, प्रभु को जानो, प्रभु के द्वारा हिम्मत पाओ, प्रभु के भरोसा से काम करो, सफलता पाओ। दूसरे चीज क्या है, अपने भरोसा में अपने ही आप बंद करो, ये बहुत ताकतवर लोग है यार, ऐसे लोग सोचते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव होना चाहिए प्रभु में, किसमें होना चाहिए प्रभु में, यह बांधना चाहिए प्रभु में। वही दाऊद के बारे में पढ़ रहे हैं, जब दाऊद को सब खोया था, प्रभु में हिम्मत पाया, जो भी खोया उसने वापस पाया। हिम्मत बांधेंगे जो प्रभु को जानने वाले लोग, बड़े काम करेंगे, अपने ताकत पर नहीं, प्रभु की ताकत पर। आज मेरे बच्चों लोग, ये वचन बहुत ज़रूरी है, बड़े काम ऐसे नहीं होते हैं, आपके बैकग्राउंड के द्वारा नहीं है, आपके मतलब आपकी खुद की खूबियत हो, खुद की ये भी हो, इसमें से नहीं, मूसा तो हो ताकतवर था, 40 साल में बहुत खून उसको गर्म गर्म होते थे, लेकिन प्रभु ने उसको दर्शन के द्वारा उसने प्रभु को जान लिया है, आत्मिक तौर से जान लिया है। बाद में क्या हुआ, अपने भरोसा बिल्कुल टूट गया, बोलते थे मैं नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा, आज का पोषण में आता है वो भी, क्या क्या बहाना बोलते हैं माले में, क्या बहाना, ओ प्रभु जी
ये लोग तो मुझे सुनेंगे, और बोलते ये लोग ही नहीं सुन रहे थे, फिर कहाँ सुनने वाले। और बोलता था मैं तो बोलने में तुतला हूँ। प्रभु ने बोला मुंह किसने बनाया, कान किसने बनाया, आंख किसने बनाया। देखो ये हर एक बहाना बोलते रहते हैं, प्रभु जी एक एक का जवाब देते गए। लास्ट एक बहाना उसने बोला, क्या बहाना बोले जिसमें प्रभु गुस्सा हो गए। अब तो पढ़े थे उसको, बोल किसी और को भेजो प्रभु। हाँ प्रभु का क्रोध भड़क उठा। हाँ आपको जो दिया गया काम आपको करना, पासे जी उनको दे दीजिए, मेरे को अच्छा नहीं आते। आपको नहीं आता तो भी आपको ही करना, अगर आपको काम मैंने दे दिया। अभी हमसे ऊपर से आ रहे थे, बैग दिया मैं छोटे बेटे को, तो क्या क्या बैग दूसरे को दे रहा और तुमको दिया मैंने, तुमको उठा के रखना है, बाद में आके रख दी। तो आपको दिया जा रहा है, आप ये मत बोलो वो कर लेगा ये कर लेगा। हमारा पास्टर जी चेन्नई में बोलते थे, हमेशा लोगों के मन में ये होते हैं, समबड़ी समटाइम समवेयर समथिंग, क्या समबड़ी कोई ना कोई कर लेगा, कहीं ना कहीं कर लेगा, कभी ना भी कर लेगा, कुछ तो कर लेगा। ये सब हटाएंगे, नो डालनी पड़ेगी, नो बड़ी नो वेयर नथिंग, कुछ नो वेयर कुछ नहीं होने वाले। दूसरा करेगा, ये करेगा वो करेगा। ये कहानी था, राजा ने बोला सब लोग आकर के, मालूम है कहानी किसको मालूम है, बोला था एक गिलास दूध ला करके एक बर्तन में डालने का, बड़ा सा बर्तन रख दिए, प्रजा सबको बुलाए, भाई आप लोगों को मैं जांचना चाहता हूँ कितने लोग सही है कितने लोग खराब है। सब लोग क्या सोच रहे हैं, अरे सब लोग दूध डालेंगे हम थोड़ा। ये देखो ये छोटा मोटा कहानी से सीखने को मिलता है। बाद में राजा देखा दूध का नाम निशान नहीं, नहीं सब लोग पानी। आज भी प्रभु के लिए यही चीज हो रहा है, कलीसिया वाला जागो, महिमा जी चर्च वाला सब लोग एक एक ग्लास दूध लेके ही डालेंगे, वो भी डाइल्यूटेड दूध नहीं, फ्रेश शुद्ध। हमारे पास से जी हमको रोज दूध पिलाते हैं फ्रेश दूध, यही हम प्रभु के जीव प्रभु के लिए समर्पण करेंगे, वचन को सीखेंगे, कुछ तो जरूर करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कोई ना कोई कर लेगा, कभी ना कभी हो जाएगा। अगर हम लोग ये जो अपने उम्र में मेरा 35, 37 आंटी का 35, ये सेवकाई को जब शुरू किया हमको इतना मालूम नहीं है, सेवकाई के बारे में अता पता नहीं है, फिर भी प्रभु ने हमसे बातें की, हमने शुरू कर दी, तभी तो हम कुछ तो हम कर पाए। अगर दूसरे करेगा वो करेगा सोच के बैठे रहते थे, कुछ नहीं होता। प्रभु को जानने वाले एक तो प्रभु को प्रेम करेंगे, प्रेम करने वाले प्रभु के लिए कुछ तो जरूर करेंगे। कोई ना कोई करेगा कभी ना कभी, कब करने वाले भाई देखते हैं फुर्सत में, माले में वो फुर्सत कब मिलने वाले है माले में। ओल्ड एज बोल रहे हैं, ओल्ड एज बोल रहे हैं तो ग्रेवयार्ड बोल रहे हैं, ग्रेवयार्ड में जाके। देखो मैं समझा रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं टाइम नहीं टाइम नहीं, टाइम कोरोना का टाइम में कुछ लोग तो बीमार पड़ गए, ठीक है वो तो बीमार सही हो गए, 2 साल घर पे बैठे थे, बाइबल रटन मार सकते थे, है कि नहीं। अभी बाइबल पढ़ने का समय नहीं, नौकरी जाना पड़ता है, नौकरी तो गया नहीं,
कितने महीने, 6 महीने कोरोना का कितना टाइम था लॉकडाउन? 3 महीने, 2-3 महीने, 2-3 महीने तो होगा कम से कम। 2 महीने में कर सकते, लेकिन देखो मन नहीं तो करेंगे नहीं, फुर्सत मिलेगा तो भी करेगा, घर पर बैठा रहेंगे। अभी इसमें से क्या है, दुनिया वाला फायदा उठा लिया, वो बोला ऑफलाइन, वो कौन सा ऑनलाइन, ऑनलाइन जॉब बिजनेस वाला, वो कंपनी वाला ने सोचा रहे इसके लिए रूम किया रखने, कंप्यूटर किया देने का, घर पे करो घंटा का काम नहीं होना चाहिए। काम तो उतना ही मुझे चाहिए, कहीं से करो। लोग सोचा रहे आपको फायदा हो गया, बाद में पछता रहे लोग, क्योंकि घर पे फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं हो पा रहे, पागल हो जा रहे। फिर उनकी आत्मा पागल करा देगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपको आनंद देगा, प्रभु के लिए काम करने में मजा आएगा। ऐसे ही देखो, प्रभु तो सही इनाम देने वाले हैं, जो 5 बनाए उसको 5 दिए, 2 मिला उसको 2 मिले, और जो 1 वाला को क्या बोला उसे निकाल कर 5 वाला कर दे दो, 11 हो गया उसको। अगर आप नहीं करेंगे, परमेश्वर तो जरूर करवाएंगे दूसरे से। जानो, प्रेम करो, प्रभु के लिए सामर्थ्य पाओ। देखो करना मतलब रिस्क है, मतलब ये सफरिंग बोलते ना, प्रभु के लिए दुख उठा रहा हूँ, ये क्यों भाई? ऐसे पॉलस भी घर पे पड़ा रहता तो उसको कुछ दुख है नहीं होता, मारपीट नहीं होते, लोगों उसके सामने हंगामा नहीं होते, लोग कहीं भी जाते हैं भाई घर पे बैठे रहेंगे। यहाँ से ऑनलाइन में सेवकाई करते रहता है तो पॉलस समझता था नहीं। पत्री तो लिखा था सही ऑनलाइन में, हाँ पत्री तो और लिखते, लेकिन वो भी बाद में किया, वो भी लिमिटेड है। देखो ऑनलाइन में हम कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे सामने देख रहे हैं, वो भी लिमिटेड है, लेकिन हम लोग को फुर्सत लेकर के जाना पड़ेगा। जहाँ पॉसिबल नहीं है, प्रभु जी लेटर के द्वारा भी हमसे बातें करेंगे, लेकिन उसने मेहनत किया तभी तो दुख उठाना पड़ रहा है, तभी तो लोगों के सामने निंदा आ रही है, आ रहा है। कुछ नहीं करेंगे तो आपको कोई, यही मूसा का एक कहानी हम देख रहे हैं आज, जब मूसा ससुराल के में थे, ससुराल में होते हैं ना, आज ना सब लगमाजी घर जमाई बन करके है ना, वहाँ पर बड़ी बेटी का वो भी घर जमाई, फिर रोही है ना, फिर सुपर वाइफ का नाम यत्रो का 7 लड़की से उसके घर पे, वो बड़े लड़की से शादी हुआ, बच्चा भी हुआ गर्शम, बच्चा जन्मा। तो परमेश्वर की बुलावट आए तो बहाना निकाला, लेकिन निकल कर जाने लगे, अभी तो परमेश्वर का काम होते हैं। परमेश्वर कैसे करेंगे, इंसान के बगैर करेंगे नहीं, इंसान का सहमत, इंसान के सहयोग चाहिए। परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को जानो, जान लिया उसने, परमेश्वर के हाथों में पात्र बन गए, परमेश्वर उसको इस्तेमाल किए हैं, उसके लिए दूसरे चीज़ों को पीछे रखा उसने, है कि नहीं? वो राजमहल की गौरव वैभव महिमा को त्याग दिया, और भी बोल रहे हैं प्रभु को जानने के लिए बाकी चीज़ों को मैंने उछड़ा कचड़ा कूड़ा समझ लिया, उसको मैं महत्व नहीं दिए। मेरे बच्चों लोग, परमेश्वर को जानो, इस ढंग से जानो कि आप उसके सामने जो चीज़ वैल्यू नहीं है उसको फेंक दो, समाज के डर छोड़ दो, लोगों की तारीफ के पीछे मत पड़ो। परमेश्वर देख रहे हैं, सही इनाम देंगे, परमेश्वर देंगे, तो के पीछे पड़ो, कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। उल्टे मेरे को परमेश्वर को जानना है, पुनर्उत्थान के सामर्थ्य को जानना है, उसके लिए कष्ट उठा करके उसको जानना है। यीशु मसीह को जानेंगे जरूर बड़े काम करेंगे, जानेंगे बड़े काम करेंगे, जानेंगे प्रेम करेंगे, जानेंगे
प्रभु के लिए भागेंगे, देंगे कुछ तो करेंगे, और आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी का आत्मा आज आपके मन में कार्य कर रहा है, हालेलुया। जो पौलुस का जो अंदर जो इच्छा था, और कलीसिया का अंदर जो मेरे सुनने वाले सामने से उनके अंदर भी एक इच्छा आ जाए, मुझे परमेश्वर को साइडन से जानना है, केवल मेरे फायदा के लिए नहीं है। ज़रूर मुझे फायदा होगी, लेकिन मेरे द्वारा प्रभु की कलीसिया की फायदा होगी, दूसरे लोगों की फायदा होगी, देश की फायदा होगी। मैं जब प्रभु को साइडन से जानूंगा, उनके जैसे बन जाऊँ। वही पहले योना में लिख रहे, जो उसको जानेगा उसके जैसे चलने लगेगा, और अरिंद्र क्रवन और नड़ंदपड़िए तानु नड़कविन, जो उसको जानेगा उसके जैसे बनेगा, उसके जैसे चलने लगेगा। हालेलुया। उसको जानना, आत्मिक तौर से जानना, वचन से जानना, अनुभव से जानना, उसके लिए कुछ तो करेंगे, उसको और भी जानेंगे, उसका प्रेम से सेवा करोगे। हालेलुया। प्रभु को जानने वाले प्रसिद्ध होने के लिए चाहेंगे नहीं, लेकिन ज़रूर वो लोग प्रसिद्ध हो ही जाएंगे। इब्राहिम ने प्रभु को जान लिया, परमेश्वर बोलते थे मैं तेरे नाम को महान बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, आशीषित करूंगा, दूसरे के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। हालेलुया। उसने प्रभु को जान लिया, प्रभु को चुन लिया, दूसरे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ा, पापा को भी छोड़कर आ गए, पापा थोड़ा दूर तक आए, बाद में ये आगे बढ़ गए। प्रभु के पीछे चलने में कभी दूसरों के पीछे मत पड़ो, ये आ रहा वो आ रहा मत देखो, प्रभु को जानो, व्यक्तिगत संबंध में जानो, व्यक्तिगत संबंध में जानो, पवित्र आत्मा के द्वारा जानो, वचन के द्वारा जानो। प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है, प्रेमी है, कठोर नहीं है, अविश्वासियों के ऐसा वाला नहीं है, जो नहीं देते वहीं से भी बांट पाना चाहते ऐसे नहीं है, खूब देते हैं, पांच तोड़े दो तोड़े। हाँ, मैं पढ़ रहा था एक कमेंट्री में, एक तोड़ा का 20 साल की कमाई बोल रहे हैं, कितना, मतलब छोटा मोटा चीज नहीं है, प्रभु ने दिया उसको, आज आपको भी दिए हुए अच्छे चीज, उसको इस्तेमाल करो, प्रभु को जानो, प्रभु के सेवा में प्रभु को जानेंगे, प्रभु के प्रेम में जानेंगे, आराधना करेंगे, गाना के द्वारा, वचन के द्वारा अनुभव करो, सुबह उठ के आराधना करो। अगर आराधना का गाना नहीं आता है, महिमा जी का वर्शिप सॉन्ग्स का प्लेलिस्ट चालू करो, साथ में गाओ, आप गाना गाओ, सीखो, वचन से सीखो, दर्शन पाएंगे। हालेलुया। प्रभु को जानने वाले यह बांध कर बड़े काम करेंगे, बड़े काम। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्ग पिता, तेरी स्तुति करते हैं मेरे भाई बहन बच्चों के लिए, जो आपका वचन है प्रभु, हम आपको जानना चाहिए। हालेलुया। पौलुस बोलते थे हम किसी को भी शारीरिक तौर से नहीं जानते, दूसरा कोरिन्थियों 5:16 में बोल रहे हम प्रभु को भी ऐसा नहीं जानेंगे, दूसरा किसी को भी ऐसा नहीं जानेंगे, आत्मिक तौर से, वचन से, सही ढंग से, सच्चाई से जानेंगे। सही ढंग से जाना, शैतान झूठ बोलता है, परमेश्वर के बारे में गलत हमें लोगों के मन में डालते रहता है, अरे भगवान क्या कर लेगा कुछ ना, ऐसे लोग सोच के बैठे हैं। लेकिन जरूर आने वाला हिसाब किताब जरूर होगी, परमेश्वर को जानने वाले उसके बाएं मानकर उसकी आराधना करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसके लिए अपने बच्चों को भी उस ढंग से बढ़ाएंगे, सेवकाई के लिए जीवन समर्पण करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आज हम लोग आपको जितना भी जाने हैं काफ़ी नहीं है, मुझे और भी जानना है प्रभु जी, मेरे परिवार वाला और भी आपको जानना है, मेरे वो मिसेस मेरे बच्चे लोग आपको और भी जानना है, मेरे कलीसिया वाले मेरे भाई बहन आपको और भी जानना है, चमत्कार पाना है, अद्भुत काम होना है, जहाँ पर काम रुके हुए हैं उसमें पुनर्तन के सामर्थ्य बहते हुए देखना है, पढ़ाई में, नौकरी में, बिजनेस में, जहाँ पर भी हाथ लगाते हो उसमें सफलता पाना है,
आपके लिए प्रभु जी एक रिस्क लेकर के आगे जा करके कुछ तो करना है, जरूर आप बड़ा काम करेंगे। जब दो लोग आगे बढ़ गए, अनंतान और उसके दोस्त, 20 लोगों को मारे उसके पीछे, कितना बड़ा काम आपने किया है। आज भी हम लोग छोटे झुंड भी हो, अगर आपके लिए हम करेंगे, आप बड़े बड़े काम हमारा द्वारा करना चाहते हैं प्रभु जी। आपको जानने बाद दूसरा चीज हमारे लिए महत्व नहीं रहेगा। यहूदास के मंदिर जैसे था, ऐसे हमारा मन न रहे। वो स्त्री जैसे जो आपके लिए कीमती चीज को देने के लिए, कीमती समय को देने के लिए, जवानीपन को देने के लिए, अच्छा से अच्छा खूबियत आपके लिए देने के लिए, वो आंखों को प्रकाशमान कराइए। सब विश्वासी की आंखें प्रकाशमान हो जाएं, आपको सही क्लैरिटी के साथ, सही दर्शन के साथ आपको देखें, ताकि आप और भी प्रेम करें आपके लिए, और भी दौड़े। आपको जानने वाला आपको प्रेम करने बगैर रहेंगे नहीं। हम आपको और भी जानना चाहते हैं। मसीह को पाना है, मुझे मसीह को जानना है, मुझे मसीह को जानकर दूसरों को देना है, उसके सामर्थ्य को एक एक वचन को जीवन में लागू होते हुए देखना है, एक एक वचन मेरे जीवन में पूरा होते हुए देखना है। इस ढंग से हमारे अंदर एक उमंग, एक प्यासा, एक मन की लगन, प्रभु जी एक इच्छा। आजकल लास्ट दिनों में सब बच्चे लोग, जवान लोग भी, बड़े लोग भी आपके लिए प्रकाशमान हो जाए, उठकर प्रकाशमान हो जाए, उजाला आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आलसी पन के आत्मा को दूर भगाते हैं, दुष्ट लोग करके लिख रहे हैं प्रभु जी। आलसी पन के बारे में ना गुस्सा होते हैं, दुष्ट और आलसीपन दास करके अपने डांटा है। आज हमारे में किसी में आलसीपन न रहे, वचन को सीखे, रटन मारे, जाने, अनुभव में लाए, दूसरे के लिए आशीष के कारण बने। मुझे मेरे भाई बहन बच्चों को आपके हाथों में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग सबके साथ।